सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बिग शाउट आउट टू फ्लैश जिन्होंने हमें BGMI के अंदर ढेर सारी पॉपुलैरिटी सेंड की है। सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आप सही भाइयों का आप ही अपने YouTube चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यू कंपेनियंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यहाँ पे भाई बहुत ही जल्दी आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का न्यू कंपेनियन जो होता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम एवर BGMI के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो हिंदी वॉइस पैक है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस यार, और तो और वो जो हिंदी वॉइस पैक होगा ना गाइस, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आप लोगों के लिए BGMI के ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, उनकी आवाज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। मतलब जोनाथन हो गया, डायनम हो गया, स्काउट हो गया, स्नैक्स हो गया, उनकी आवाज आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाली है। अब वो आगे क्या होने वाला है मैं आप लोगों को यहाँ पे जो आगे आने वाली वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आओ तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो एंड गाइस वीडियो को एक लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे न्यू कंपेनियन के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल की इमेज जो है निकल कर आई है, जिसके अंदर हम लोग को जो पिकाचू होता है वो हम लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यहाँ पे भाई पिकाचू हम लोगों को यहाँ पे जो है दिखाया जा रहा है हमारे ऐसे न्यू कंपेनियन के रूप में। अब यार लिटरली किसी को भी नहीं पता कि यार ये जो इमेज है कितनी सही है कितनी गलत है, बट अगर आप लोग यहाँ पे जो है इमेज को काफी ध्यान से देखोगे ना गाइस, तो बहुत ही सही तरीके से इसको यहाँ पे जो है बनाया गया, या फिर दोस्तों क्या पता रियल में भी ऐसा आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे जो नया कंपेनियन है वो पिकाचू यहाँ पे देखने को मिल जाए, जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पे जो है जो पिकाचू के इमोट्स होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे जो है ले पाओ। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा जो बहुत पहले फैल्कन कंपेनियन आया था ना, उसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का जो इवेंट होता है वो देखने को मिला था, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो फैल्कन था वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही यहाँ पे देखने को मिल गया। वैसे ही दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है पिकाचू कंपेनियन आप लोगों को दिखाया जा रहा है। एंड अगर हम बात करें इमोट्स के बारे में, तो भाई राइट में आप लोग यहाँ पे जो है इसके इमोट्स को भी चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारे इमोट जो है वो भी डाले गए हैं। लेफ्ट में जो उसका नाम है वो भी आई थिंक कोरिया में लिखा हुआ आ चुका है, पिकाचू। एंड यस गाइस, आगे आने वाले टाइम पर ऐसा भी हो सकता है कि पबजी वाले यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन कर ले पोकेमॉन के साथ, जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पे जो है काफी सारे और पोकेमॉन जो होते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाए, ठीक है। उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे सेकंड अपडेट के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है 1.6 या फिर दोस्तों 1.5 के अपडेट के बाद आप लोगों को यहाँ पे जो छोटा कंपेनियन का रोबोट जो होता है, जो हमारे साथ हमेशा ही यहाँ पे जो है लॉबी के अंदर रहता है, देखने को मिल गया था। जैसे कि आप लोगों को बताया ये चीजें सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गेम फॉर पीस के अंदर देखने को मिली थी, उसी के बाद दोस्तों पबजी वालों ने भी इस चीज को यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट कर दिया था। उसके बाद गाइस BGMI के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे छोटा सा रोबोट है वो यहाँ पे देखने को मिल गया था। लेकिन फाइनली गाइस यार, अभी यहाँ पे जो है गेम फॉर पीस के अंदर इस छोटे से कंपेनियन के जो कपड़े होते हैं गाइस, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, यहाँ पे भाई इसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे जो है शायद यूसी को स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पे जो है छोटे से फ्री कंपेनियन के कपड़े को यहाँ पे जो है पहनाना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है गेम फॉर पीस के अंदर तो आ ही चुका है, तो बहुत जल्दी आप लोगों को पबजी एंड गाइस BGMI के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो, और भी छोटे छोटे कंपेनियन जो होते हैं यहाँ पे गेम फॉर पीस लेकर आ रहा है। तो गाइस यार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है और भी और छोटे छोटे रोबोट कंपेनियन जो होते हैं आप लोगों को BGMI के अंदर भी देखने को मिले। जरूरी नहीं है गाइस कि गेम फॉर पीस में जो डाला है वही देखने को मिले, आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई और भी देखने को मिल सकते हैं, बट या कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे जो है इस चीज को देखने के बाद काफी आसानी से आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। बाकी तो यार भाई मैं तो इसके ऊपर तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है मेरे यूज या फिर मेरे पैसों को स्पेंड नहीं करने वाला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है क्रिएटर उसकी वॉइस पैक के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है BGMI के अंदर अभी तक हम लोगों को यहाँ पे जो है कोई भी हिंदी वॉइस पैक देखने को नहीं मिला, जबकि हमारा BGMI जो है काफी कमाल का इंडिया का गेम है, ठीक है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है यार, अब BGMI ने एक बार पूछा भी था आप लोगों से यहाँ पे कि भाई आप लोगों को क्या चाहिए, तो काफी सारे लोगों ने कहा था कि भाई हम लोगों को यहाँ पे जो है हिंदी वॉइस पैक यहाँ पे चाहिए। तो वैसे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है अब ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो है जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जोनाथन हो गया, स्काउट हो गया, स्नैक्स हो गया, एंड आपके सामने डायनम हो गया, उनकी जो मेन वॉइस होती है ना वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वॉइस पैक के अंदर यहाँ पे दिखाई जाने वाली। जैसे कि आप लोगों को पता है पट से हेडशॉट हो गया, इस तरह की चीजें आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखाई जाने वाली, ठीक है। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रूफ के बारे में, तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है जो विलेजर ई-स्पोर्ट्स है ना गाइस, उनके इंस्टाग्राम पे आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है एक पोस्ट किया गया था, जहाँ पे दोस्तों उन्होंने यहाँ पे पूछा था कि आप लोगों को यहाँ पे जो है कौन से क्रिएटर की जो वॉइस है सबसे ज्यादा पसंद आती है, मतलब कौन से क्रिएटर का जो वॉइसिंग डायलॉग है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा पसंद आता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे स्काउट के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कि भाई क्या नॉक मारा है सेक्सी मेरी जान। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आप लोगों के लिए स्नैक्स के बारे में, तो गाइस डैमेज दो अंदर आओ। 8-bit गोल्डी के बारे में बात करें, तो गाइस गोलू बोलते गोलू, इस तरह के जो नाम है ना गाइस, जैसे कि हमारा डायनम हो गया, पट से हेडशॉट, तो वो जो आपको वॉइस पैक के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे और ही प्रूफ के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे देखो भाई स्काउट एंड गाइस डायनम ने काइंड ऑफ आप लोगों को यहाँ पे जो है इसके बारे में हिंट यहाँ पे दे ही दी है। मैंने बाकी डायलॉग निकाले हैं। गोल्डी भाई का जॉड होना चाहिए एक्सेलेंट वर्क के लिए। हाँ ये जा भोला का वॉइस पैक बहुत मस्त है। अबे भोला तुम्हारा भाई का भाई नहीं, कुछ नहीं सुनने में आया कि डायनामो स्पेशल वॉइस पैक आ रहा है भाई। चांद रहने का पहले बॉम्ब फूटने दो, उसके बाद धमाका की आवाज आएगी तब बात करेंगे, अभी नहीं। क्या बात कर रहा हूँ अभी बात नहीं करते हैं। लगने पे वो हेलमेट की आवाज की जगह नहीं 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 नहीं
सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि उन्होंने काइंड ऑफ आप लोगों को यहाँ पे जो है हिंट के बारे में बता ही दिया। अब आप लोग मेरे को बताओ कि आप लोग यहाँ पे जो है कौन सी वॉइस पैक के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कौन सा वॉइस पैक आप लोगों को यहाँ पे जो है सबसे पहले चाहिए, इसके बारे में प्लीज यार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। But that's all right.